नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार ला सकती है अवैध शराब के खिलाफ कानून। कैबिनेट की बैठक में कल मिल सकती है प्रस्ताव को मंजूरी। भारी बारिश से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की बाउंड्री बाल गिरी। महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची टीम। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में ऐतिहासिक जीत पर सीएम शिवराज ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, मुझे यकीन है आप अगले गेम में भी सफल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े पीएम। हाई लेवल मीटिंग में सीएम शिवराज ने की बाढ़ के हालात की समीक्षा। अधिकारियों ने सीएम को दिए शिवपुरी समेत सभी जिलों की जानकारी। शिवराज सिंह ने अलर्ट पर रहने और लोगों को रेस्क्यू करने के दिए निर्देश। इंदौर में देवगुराड़िया की पहाड़ी पर विकसित किया जाएगा शहर का नया पिकनिक स्पॉट। पहाड़ी पर बनेगा अहिल्या वन। कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किए गए थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई एवं 19 जुलाई 2021 को जारी दिशा निर्देशों को 10 अगस्त 2021 तक प्रभावशील किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों, शिक्षक व अभिभावकों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण। 9वीं व 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से होंगी प्रारंभ। शिवपुर में तेज बारिश के बीच 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। पार्वती और कुनो नदी में फंसे लोगों में से अब तक 60 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। शेष फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से प्रदेश सरकार ने सहायता मांगी है। इंदौर जिले में 7 अगस्त को मनाया जाएगा अन्न उत्सव। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी। मध्य प्रदेश में 1264 शासकीय और निजी महाविद्यालय और 758 बीएड संस्थानों के लिए 1 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। ऑनलाइन आवेदन के लिए 12 दिन का समय शेष। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में अब फ्री फायर जैसे गेम होंगे कानून के सख्त दायरे में। आज की खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।